What's up guys, this is Ashraj and you're watching RC Films. Welcome back to another video. जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा मेरी जो एक्सेस 125 BS6 है उसकी फोर्थ सर्विसिंग एंड लास्ट सर्विसिंग है ये. तो क्या क्या मैंने प्रॉब्लम्स उधर बताई एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है अगर आप अपनी बाइक की सर्विस चेक करोगे तो कैसे चेक करें. एंड जो सबसे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है उस चीज़ में. जब मैं गया तो मेरे को भी मैंने वो चीज़ में ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब मैं गया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ वो भी मैं आपको ही बताऊंगा. तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपके सबसे पहले आए. तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो गाइज ये है अपनी एक्सेस 125 BS6 एंड इसको करीब एक साल से ज़्यादा हो चुका है, मे बी एक साल से ज़्यादा ही हो गया है. तो इसका मैंने अभी फोर्थ सर्विसिंग कराया है, लास्ट सर्विसिंग फ्री. तो मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ें मतलब मैंने बताई. सबसे पहला तो वो खुद ही जो करते हैं सर्विस में, जो मैं आपको बता देता हूँ फ्री सर्विसिंग में क्या क्या होता है. सबसे पहले होता है बाइक का चेकअप पूरा, जब वो मैकेनिक चलाते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं बताएंगे अपन को, जैसे अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम है तो अपन से पहले अपन को बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये प्रॉब्लम है अपन. तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या क्या वो देखते हैं. सबसे पहले फ्री सर्विस में देखते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स पैड, ऑयल का कैसा है. ऑयल चेंज कराने के लिए 2000 किलोमीटर मेरे को बोला है, तो ऑयल इसका चेंज हर 2000 किलोमीटर में होता है. एंड जब मैंने फर्स्ट बार कराया था 1000 किलोमीटर में मैंने ऑयल चेंज कराया था इसकी फर्स्ट सर्विसिंग में, अभी अपनी फोर्थ सर्विसिंग है. एंड जो बीच की सेकंड और थर्ड सर्विस है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा लास्ट में. एंड उनने ब्रिक्स चेक किए, ब्रिक पैड चेक किए, ऑयल चेक किया, फिर ऑयल चेंज हुआ. एंड मैंने उनसे जो जो बोला था, मैंने सबसे पहले बोला था कि आप इसका सेल्फ़ देखो, मैं इसको आपको सेल्फ ऑन करके दिखाता हूँ कि मैंने सेल्फ ऑन किया है. अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार और बंद करके हो गया. एंड आप देखो बाइक का टोटल किलोमीटर कितना है, मेरी एक्सेस 125 का टोटल किलोमीटर आप देख लो कितना है. इसका टोटल किलोमीटर है 4451 किलोमीटर डन हो चुकी है. तो आप देखना आवाज़ कितनी ज़्यादा आएगी सेल्फ की, ये देखिए आप. एक बार फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ मैं, सुनना आप आवाज. तो गाइस जो सेल्फ है वो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करने लगा है. जब मैंने पहले ली थी, जब बाइक शुरू शुरू में नई नई में इतनी आवाज़ नहीं आती थी, मैंने उनसे बोला कि सेल्फ थोड़ा आवाज़ ज़्यादा लेने लगा है. तो हल्की आवाज़ तेज़ हुई है, आगे चल के ज़्यादा तेज़ ना हो जाए इसलिए मैंने कंपनी में बोला था, उनसे सर्विस सेंटर में बोला था, तो उनने बात लिखी थी, नोट की थी. तो मेरा यही प्रॉब्लम एक आ रहा था. और सेकंड एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम तो होता ही है, वो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है. तो भाई जो प्रॉब्लम है सेकंड वो है इसका जो पेट्रोल का बताता हैगा कि कितना पेट्रोल है, फ्यूल गेज, वो हमेशा कभी भी मतलब करेक्ट नहीं बताता है. गाइस ये इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि से ये FI बाइक है, इसमें FI लगा हुआ है. बाई चांस अगर फ्यूचर में इसमें पेट्रोल कम रहा हो, मैं सोचा रही मीटर गलत बता रहा है, और अगर पेट्रोल सच में भी नहीं रहा, मैंने सोचा जैसे सब चलाते हैं बाइक घर में, सब यूज़ करते हैं इसको, तो जैसे किसी ने देखा अगर कि भाई इसका मीटर कभी कभी ऐसा बताता है अभी सही हो जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल तो होगा, क्योंकि इसे इसमें देख नहीं सकते आप इसको हिला के पेट्रोल. तो इसमें होता क्या कि आपका FI है वो भी ख़राब होना, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया कभी, अगर दो तीन बार हुआ तो इनकेस कभी कभी FI भी ख़राब हो जाता है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. तो गाइस ये प्रॉब्लम मेरा मेन था सेल्फ का, जो मैंने बता दिया था. बाकी उनने ब्रेक्स टाइट कर दिए अच्छे से, बाइक थोड़ी सी स्मूथ हो गई है. इसका जो ऑयल है, ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल आया है 239 का, सुजुकी का ही ऑयल है. ब्रेक शूज़ इनने चेक किए, ब्रेक शूज़ दोनों के सही, मतलब दोनों टायर्स के ब्रेक शूज़ रेयर और फ्रंट टायर के ब्रेक शूज़ सही हैं, तो उनने चेंज नहीं किए, टायर वो टाइट कर दिया. एंड ऑल ओवर सब अच्छा है. तो गाइस मेन चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ ये है कि जो मेरी बाइक है ये काफ़ी दिन से खड़ी रही, मतलब ज़्यादा चली नहीं है. अभी एक साल में 4500 किलोमीटर डन हो गई है. तो जो सर्विस है दो लैप्स हो गई है मेरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरी बाइक की सर्विस लैप्स हो गई है. एक तो हो गई है सेकेंड सर्विस, दूसरी हो गई थर्ड सर्विस.
फोर सर्विस भी इसकी एक्सपायर होने वाली थी जो कूपन है, मगर नहीं हो पाया, मैंने उससे पहले सर्विस करा ली। तो गाइस प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इसकी सर्विसेज हैं, जो शोरूम रहता मतलब जो सर्विस सेंटर रहता है उसमें ऑनलाइन ही सब होता है काम, तो इन्हें चेक किया सर्विस कूपन मेरा मतलब एक्सपायर तो नहीं, तो मेरे दो कूपन एक्सपायर है, टाइम ज़्यादा हो गया था उसमें, डेज थे 130 समथिंग। आपको देखो स्क्रीन के बाजू में इसका कूपन दिख रहा होगा, मतलब जो रहता है ये अभी आपको दिख रहा होगा सेकेंड सर्विस का कूपन कूपन, और ये भी आपको थर्ड सर्विस का आ गया होगा, साइड में देखो आप स्क्रीन के। तो अभी अपनी बाइक कितनी चली है, 4,451 किलोमीटर। तो आप फोर सर्विसिंग जो कूपन जो रहता है वो यूज़ हो चुका है, फोर सर्विसिंग का फ्री, तो आपको वो भी दिख रहा होगा। तो भाई यही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी बाइक का सर्विस कराओ फ्री वाला जो, तो वो जो उसमें डेज हैं वो डेज देख के ही आप कराओ, क्योंकि से अगर डेज ज़्यादा हो गए आपकी, अगर बाइक आपने फर्स्ट सर्विसिंग तो करा ली चलो 1000 किलोमीटर में, अंडर 1000 किलोमीटर में, अगर मान लो आपकी बाइक ज़्यादा दिन हो गए और आपकी 1000 आपकी बाइक मतलब आपकी गाड़ी जो खड़ी है एक साइड वो चली नहीं है और फर्स्ट सर्विसिंग करा के आपने खड़ी कर दी, अब जो वो डेज लिखे हुए हैं वो डेज अगर निकल गए तो फिर आपकी जो सर्विसिंग है वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब किलोमीटर से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है डेज से। तो इसलिए आप डेज के अंदर ही सेकेंड सर्विस कराओ, फिर जब थर्ड सर्विसिंग की बारी आए तो वो भी उसके डेज के अंदर ही कराओ, नहीं तो आपकी सर्विसिंग एक्सपायर हो जाएगी। मेरे साथ ये हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा गलत ना हो, मतलब गलत ही ना है कि सर्विसिंग अपनी फ्री वाली ख़राब हो गई, तो ये आप ध्यान रखना। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं अपन एंड, होप आपको आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो जो ये मैंने लास्ट में बताई, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल भी रहे, बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिसमें लेटेस्ट अपडेट आपके सबसे पहले आए। ओके गाइस बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ़।